नमस्कार, मैं दिव्यांशी डोसी स्वागत करती हूं आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खबरों के परे। देश में कोरोना विस्फोट के चलते हुए असम ने अपने राज्य में आने वाले यात्रियों पर कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। असम सरकार के आदेश के अनुसार राज्य के बाहर से आने वाले सभी ट्रेन और हवाई यात्रियों को 7 दिन के अनिवार्य होम क्वारंटाइन में रहना होगा। असम सरकार के आदेश के अनुसार हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर सभी यात्रियों के आगमन पर कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। यदि कोरोना टेस्ट नेगेटिव भी आता है तब भी यात्रियों को होम क्वारंटाइन में रहना होगा। इससे पहले असम के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने पिछले हफ्ते कहा था कि अन्य राज्यों का कोविड-19 नेगेटिव प्रमाण पत्र असम में स्वीकार नहीं किए जाएंगे और हवाई एवं रेल के सभी यात्रियों को पहुंचने पर रैपिड एंटीजन और RT-PCR दोनों जांचों से गुजरना होगा। शर्मा ने कहा कि असम की वर्तमान कोविड-19 स्थिति यात्रा करने वाले लोगों से जुड़ी हुई है। मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में पाए जाने वाले विषाणु ब्रिटेन में सामने आए प्रकार का है और बहुत हल्का है और बहुत तेजी से फैलता है। उन्होंने कहा बाहर से आने वालों को असम पहुंचने पर RT-PCR जांच से गुजरना होगा और जांच परिणाम 24 घंटे के भीतर उपलब्ध होंगे, लेकिन तब तक उन्हें पृथकवास में रहना होगा। शर्मा ने स्वीकार किया कि राज्य में पिछले कुछ दिनों के दौरान स्थिति जटिल हो गई है। उन्होंने कहा अभी की स्थिति के अनुसार हम तैयार हैं और स्थिति नियंत्रण में है। यह पूछे जाने पर कि कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी को क्या 6 अप्रैल के चुनाव के लिए हुई चुनावी रैलियों और प्रचार से जोड़ा जा सकता है, हाल के अधिकांश मामले यात्रा के इतिहास से जुड़े हैं और गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, जोरहट, तेजपुर और कछार जैसे वाणिज्य और व्यापारिक केंद्रों से सामने आए हैं। उन्होंने कहा समय वर्तमान मामले अभी भी यात्रा से जुड़े हुए हैं। देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।